आतिशी का नाम चुने जाते ही दो तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक सियासी आरोप तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों के आधार पर ही बीजेपी लगाने लगी आरोप आतिशी के डमी मुख्यमंत्री होने का। आतिशी ने खुद भी आज कहा कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही हैं, वो बस चुनाव तक कुर्सी पर बैठ रही। वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा चूंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। हमारे पास जेल वाला सीएम था, फिर उसके बाद बेल वाला सीएम आया, अब प्रॉक्सी सीएम आया। और ये प्रॉक्सी सीएम हम नहीं बोल रहे हैं, सौरभ भरद्वाज जी की बाइट है एनआई पर। मैं कोट कर बताना चाहता हूं, कोई भी बने चेयर तो अरविंद केजरीवाल की ही है, वो अरविंद केजरीवाल की थी, अरविंद केजरीवाल की है, आगे भी अरविंद केजरीवाल की रहेगी। जो ये 1-2-3 महीने की अरेंजमेंट है वो तो कोई भी हम में से बैठ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। केजरीवाल से तो छुटकारा मिला, पर नया मनमोहन सिंह मिल गया है, नया ओपीएस आ चुका है, तो मुझे लगता है कि दिल्लीवासी भी समझते हैं कि चेहरा बदला है, चरित्र कुछ नहीं बदला है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है, जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है। एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। He has absolutely no option but to resign, and it is their prerogative of who they pick to be the chief minister. But I don't see any change in the approach of Aam Aadmi Party. The same corruption, the same lack of services to the people, talking and exaggerating what they claim, what they do. And Atishi, with great respect to her, I don't know her, but I've seen her on TV, will be essentially remote controlled by Arvind Kejriwal and his family. So, while I wish her the very best, Arvind Kejriwal's departure and his hypocritic contradiction of the value-based politics that he espoused was much overdue, and that is really the big news. He should have left many, many months ago. दूसरा आरोप आतिशी के माता पिता से जोड़कर स्वाति मालीवाल और बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने तो दिल्ली के लिए आतिशी को चुने जाने को दुखद दिन तक बता दिया। दावा इस बात का किया गया कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए आवाज उठाई थी। स्वाति मालीवाल ने यह बात जैसे ही कही, आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्वाति को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए, ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। आतिशी मर्लिना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मर्लिना का फैमिली था, इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो,
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर इनकी इनकी माता ने या पिता ने इस तरीके की कोई काम किया है और उसमें ये अगर नहीं जुड़ी रही हैं तो फिर इनके ऊपर मेरे ख्याल से कोई परछाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये अगर उसमें किसी भी तरीके से क्या सहानुभूति रखती थी उस पूरे उसमें, या इन्होंने कभी कहीं ना कहीं अपने माता पिता को कम से कम पब्लिकली क्रिटिसाइज किया हो कि जो वो कहती थी वो गलत थी, क्योंकि देखिए ये कोई सामान्य बात नहीं थी। वो वामपंथी विचारधारा के दोनों थे। मैंने उनको जब स्टूडेंट जीवन में था तो उनके बारे में हम लोग बहुत सुनते थे, इनके माता पिता के बारे में। तो एक एकेडमिक रूप से होकर वो कुछ कहें अलग बात है, एक विचारधारा के बारे में कुछ कहें अलग बात है, लेकिन एक आतंकी के पक्ष में अगर आप जाकर खड़े होते हैं तो फिर अगर आपकी बेटी राजनीति में आती है तो फिर उसको अपना उस पर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मेरे माँ बाप गलत थे या नहीं थे, और उस समय आपका क्या बयान था, इस बात की कम से कम जानकारी जरूर होनी चाहिए हम लोगों को।